हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक से क्लास 8th का मैथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 8th के मैथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? द नंबर्स ऑफ फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी यहाँ पे ए बाई बी का फॉर्म हो, कोई नंबर हो, उसका फॉर्म ए बटे बी के रूप में हो, वन ए बाई बी, जहाँ पे ए और बी जो हो ए इंटीजर्स हो। इंटीजर्स उसे ही कहते हैं जो कि क्या होते हैं, जीरो भी होते हैं, प्लस वन, प्लस टू, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, पॉजिटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव आपके इंटीजर हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे आपका निगेटिव कुछ रेशनल नंबर निगेटिव इंटीजर होते हैं, इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है, यही हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब इन्हीं इंटीजर्स को यहाँ पे फैक्टर के यानी जो अपान है उसके रूप में रिप्रेजेंट करने का जो तरीके होते हैं, मिथड्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग इंटीजर्स आपको रेशनल नंबर्स कहते हैं, जहां पे बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर होना चाहिए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जांपल्स देख लिया जाए। एग्जांपल्स है आपका ईच ऑफ द इंटीजर्स 5/8, -3/14, 7/15 एंड -6/11 इज ए रेशनल नंबर। ये सभी एक रेशनल नंबर के फॉर्म्स हैं। यानी कुछ इरेशनल नंबर भी होते हैं, उसके बारे में आपको क्लास 9 में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर में क्या होते हैं ना, इरेशनल नंबर जो होते हैं वह रूट में आते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है वह रिपीट होती जाती है, कभी भी इंड नहीं होती है, तो यह इरेशनल नंबर होते हैं। ये होते हैं। इसके बाद से जो रेशनल नंबर है इसी कुछ पार्ट्स होते हैं, इन्हीं को कॉम्बिनेशन करके तो पिक आउट करके कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं। पहला है पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल क्या होता है, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव बोथ निगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। तो इस प्रकार के जो फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के रूप में 2/5, 5/7, बोथ आर पॉजिटिव लुकिंग हियर एंड बोथ आर निगेटिव लुकिंग हियर, सो इट्स साइन विल बी बोथ निगेटिव एंड इट्स इज कट डाउन देन इट्स गिव्स टू पॉजिटिव। और -2/1, -3/-3 इंटू मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर -1, देन इट गिव्स टू निगेटिव साइन मल्टीप्लाई बाई निगेटिव साइन, देन इट गिव्स टू पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, देन इट गिव्स टू ऑल्सो पॉजिटिव साइन, देन इट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। फिर आपका नेक्स्ट है निगेटिव रेशनल। इरेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर ऑफ अपोजिट साइन, यानी जो साइन कन्वेंशन हो इनके पास वह अपोजिट साइन हो। और ये जो अपोजिट साइन होता है कैसे होगा, एग्जांपल्स में 5/8, यानी न्यूमरेटर इज निगेटिव बट डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। इन दिस केस न्यूमरेटर इज निगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, एंड न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज निगेटिव, सो इट इज निगेटिव रैशनल नंबर्स, इट कॉन्टेन्स अपोजिट साइन। नाउ वी डिस्कस अबाउट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए बाई बी इज रैशनल नंबर्स एंड यम इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन, यानी यम जो है वह एक नॉन जीरो इंटीजर्स है, सो वी लुक हियर a by b equal to a multiplied by m and b multiplied by m. So examples take it -3/4.
Now it multiply by 2 with numerator and denominator. So it is multiply by minus or multiply by 2 3 jha 6 minus 6 by 8. अगेन और भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, माइनस थ्री बाई फोर, माइनस थ्री बाई फोर इंटू थ्री, नंबर एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस थ्री बाई नाइन, माइनस नाइन बाई ट्वेल्व. तो इस तरह से हम लोग कई भी नंबर्स जो होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कई भी फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं सच रेशनल नंबर्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी इन्हें हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कह सकते हैं. नाउ प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी टू, इफ ए ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर्स एंड एम इज ए कॉमन डिवाइजर. यहां पे एम इज ए नॉन जीरो था फर्स्ट प्रॉपर्टी में, बट यहां पे एम इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का दोनों का ही यम जो है कॉमन डिवाइजर है. तो जब ये कॉमन डिवाइजर है तो दोनों को ही यम से डिवाइड करेंगे. एग्जांपल्स के रूप में हम लोग ले रहे हैं माइनस 32 बाई 40, तो कॉमन डिवाइजर है. तो कॉमन डिवाइजर का मतलब इसमें कुछ एक ऐसा नंबर होगा जिससे डिवाइड किया जाएगा, तो माइनस 32 बाई 40 को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कि दोनों नंबर डिविजिबल हो. 8, चाहे तो इसको 8 कहां से आ रहा है, इसको अगर फाइंड आउट करनी है तो दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे तो 8 आपका आ जाएगा, दोनों का एचसीएफ 8 आ जाएगा तो फाइंड आउट हो जाएगा आपका. तो यहां हो जाएगा माइनस 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी 3. Let A by A, B and C by D be two rational numbers, then, यानी A by B और C by D जो है दो rational number है हमारे. अब इन दोनों rational number को हम लोग इस तरह से represent किया गया है, A by B equal to C by D. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस A का multiply D में हो जा रहा है और B का multiply C में हो जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है. A का multiply D में, B का multiply C में हो जा रहा है. तो यहाँ पे A into D इक्वल टू बी इंटू सी, ऐसा आप लोग रेशियो में पढ़े होंगे. रेशियो एंड आपका होता है अगला प्रोपोर्शन, जिसमें आपको बताया जाता है कि ए बाई बी इज टू, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर प्रोपोर्शन साइन सी बाई डी. तो यहां पे इसका मल्टीप्लाई यहां पे होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है, होता है फॉर्मूला उसका प्रोडक्ट of extreme and equal to product of mean. तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, अगर पूरे पढ़ाने में कहीं पे कोई आपको परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके सेक्शन कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, तो हम उसका सोल्यूशन जरूर आपके पास सेंड करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.